हम लोग निकले आज स्नोफॉल एंजॉय करने, स्नो शॉपिंग करने निकले हैं। स्नो शॉपिंग और बहुत मजा आ रहा है, चारों तरफ बर्फ है, मोटी लेयर जम चुकी है, पूरी रात भी बर्फबारी होगी आज, मजा ही आ जाएगा। अब मजा आ रहा निकलने में। तारीख भी चल रही है। क्या कर रही है दिल के साथ? जैसा मेरा टूटा था ना वैसे। आई और यू है, मेरा टूटा था। ज्यादा हो रहा है। आज यहाँ सारे में स्नो जम चुकी है अच्छे से बिल्कुल। ये कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिन पे मतलब निशान अभी कुछ भी नहीं, कदमों वगैरह के निशान, अनटच्ड रोड्स। क्यों लग गए? और अभी भी स्नोफॉल हमारा चल रहा है हल्का हल्का। यस, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे मिलते हैं। ड्रीमी लैंड छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर। वाह यार ये कितना अच्छा लग रहा है। जब आदमी इश्क में पड़ा हो तो उसे इश्क इश्क नजर आता है हर जगह। क्यों जैन साहब? इतना बदतमीज है यार। अभी प्यार का नाम लिया और अभी धज्जियां उड़ा दी। आदमी प्यार में नहीं है, दुखी है, इसका मतलब अपना दुख जाहिर कर रहा है। क्या लिख रहा है ये? नाउ नो वॉर, नो वॉर, गुड, ग्रेट मैसेज। से नो टू वॉर लिखना था फिर तो। सामने डोमिनोज है तो उसके सामने हम लिखते हैं पिज़्ज़ा हट। वाह वाह वाह, कितनी बदतमीजी वाली वीडियो है ये। और जबकि हम यहीं का पिज़्ज़ा खाते हैं डोमिनोज का, ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहीं का पसंद है, पर जान के किसी को हर्ट करना है पिज़्ज़ा। हाँ दिल भी आ गया, पता है नहीं कैसे, आज तक टेस्ट भी नहीं करा हो तब भी पिज़्ज़ा हट पे दिल आ रखा। बड़ी बदतमीजी है ये। देखो भाई स्नोफॉल देखो, क्रिस्टल्स। गिव 100% फ्री। पैसा ना देना पड़े, बोल दो उसको जाके बाहर भी आके देख ले क्या कर रहे हैं हमने।
और ये जबरदस्त स्नोफॉल में चलता हुआ काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है। गॉड मेरे बाल अमूल सारे दे मुंह में जा रही है नहीं चौके। वाह यार मतलब आज तो मतलब पूरा हैवी स्नोफॉल का मजा ले लिया हमने। मेरे कैमरे पे भी स्नो फ्लेक्स है ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है मुंह में जा रही है हल्का ठंडा ठंडा हूँ मैं सही आ रहा है मजा ही आ गया। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम अम्ब्रेला लेकर नहीं आए हैं स्नोफॉल में और ये हमारा हाल हुआ है आज। ये सारे बाल कैप मतलब मैंने इंडिया में भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये कर लिया है एंजॉय। बट इसके बाद हमें बीमार नहीं पड़नी चाहिए वरना तो गए काम से। मतलब ये पहला एक्सपीरियंस है हम दोनों का कि हमने इतने ज़्यादा स्नोफॉल में कभी हम बाहर आए हो या कभी इंडिया में भी पहाड़ों में हम कभी गए हो ऐसे। कभी नहीं देखी इतनी स्नोफॉल, पहली बार देखी मैंने भी। मतलब वैसे बर्फ में घूमे हैं जहाँ पे पैर अंदर चला जाता है बिल्कुल तीन तीन चार चार सेंटीमीटर की बर्फ होती है। बेसिकली स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं करा कभी। हाँ मतलब देखो यार मतलब ऑसम मतलब पूरा ये ड्रीम लैंड वंडरलैंड सब बन जाता है। मज़ा ही आ रहा है चल के इतना। वाह बहुत ही ग्रेटफुल ग्रेटफुल। ये तो बिल्कुल वो राज मूवी की शूटिंग जैसा लग रहा है सारा सेम ये ट्रीज एंड ऑल। सुबह वहां जाके मैं वो बनाऊंगी स्नोफॉल अगर स्नोफॉल नहीं हुआ तो मेक श्योर कि मैं एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा स्नोमैन बनाऊं। वीडियो बनाऊँ कल तक अगर मैं बची तो। फाइनली हम आ चुके हैं अपने बिल्डिंग में और ये देखो हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया मुझे यार। तुम्हारे ऊपर इतनी बर्फ नहीं जमी, मैं क्या अलग से जम रही थी, बस हल्की हल्की सी जमी है यार मेरे में। तो सेंटा क्लॉज बनती हुई चल रही है यार। वह बर्फ वगैरह पूरे अच्छे से है, मेरे कपड़ों भी मेरे ऊपर अलग से गिरी है। नोज एकदम रेड हो चुका है। और ये है नेक्स्ट डे। बालकनी का हाल देखो, पूरी रात स्नोफॉल हुआ और अभी सुबह 5 बजे से दोबारा, रात को शायद 1 घंटे के लिए ही रुका होगा और अभी हो रहे हैं यहाँ पर 6:40 सॉरी। और ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर, पर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, अभी भी हो रहा है स्नोफॉल। ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए तो मेरे पास वर्ड्स हैं ही नहीं, तो मैंने अपना कैमरा बाहर रख दिया था ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड होती रहे। मैं बाहर नहीं खड़ी थी, बहुत ठंड थी, बट
होस्टल बहुत ही सुंदर था, हम अंदर से देख रहे थे, बहुत ही सुंदर। और ये बन चुका है पूरा ड्रीमी लैंड। अब यहाँ बनाएंगे हम स्नोमैन। चार पाँच सेंटीमीटर की तो है आराम से। Hey guys, तो मैंने अपना स्नोमैन बना लिया है। मेरा मेरे पीछे यार वो डेविल लग रहा है, पास से दिखाती हूँ। स्नोमैन नहीं, स्नो मॉन्स्टर बन चुका है मेरे से। वो भी फूट गया ठीक है, बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ, बहुत सारे स्नोमैन बन सकते हैं, बट बहुत ठंड भी है। हाँ तो ये पेड़ एकदम भरे हुए थे बर्फ से, बहुत अच्छे लग रहे थे। कल रात को भी मैंने वीडियोस बनाई थी, दो दिन से लगातार यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब के लिए हम पहले इंडिया में पहाड़ों में जाते थे कि स्नोफॉल देखेंगे, बट अब सब यहीं देखने को मिल रहा है, तो बहुत मज़ा आता है। खैर अब तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे, बट इतनी गर्मी भी नहीं होती, बट ये स्नोफॉल देख के बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और ये सब करते रहने से ना बॉडी भी एक्टिव रहती है, वरना सुस्त सुस्त लगता है घर में बैठ के, तो मैं इसलिए बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि बाहर निकल जाना चाहिए, जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है वो घर में ही रहे। मुझे बहुत पसंद है बाहर आना बर्फ में।